नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्यहिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीते 2 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान शुक्रवार को रिहा हो गए। आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी। आजम खान 26 फरवरी 2020 से उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे। आजम खान जैसे ही सीतापुर जेल से बाहर निकले तो वहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे और उन्होंने आजम खान के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। बता दें, आजम खान के खिलाफ 88 मुकदमे दर्ज थे और जिस दिन 88वें मामले में जमानत मिलने वाली थी उसी दिन 89वां मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी और अंत में गुरुवार को जमानत दी थी। सीबीआई ने शुक्रवार को आरजेडी प्रमुख लालू यादव के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में की गई है। जांच एजेंसी ने लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ नया मुकदमा भी दर्ज किया है। ये मुकदमा नौकरी के बदले में जमीन या प्लॉट लेने के मामले में दर्ज किया गया है। लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के बिहार और दिल्ली में स्थित कई ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। बता दें, कुछ दिन पहले ही लालू यादव चारा जमानत घोटाले में जेल से बाहर आए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में शुक्रवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी। हालांकि अदालत में मामला आने पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत को आदेश दिया था कि वो गुरुवार को इस मामले में कोई भी आदेश पास न करें। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अदालत से कहा था कि इस मामले में एडवोकेट हरिशंकर जैन, जो निचली अदालत में वादी का पक्ष रख रहे हैं, वो बुधवार को ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और ऐसे में अनुरोध है कि सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया जाए। मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा एमडी ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाली जाती है तो निचली अदालत में सुनवाई को रोक दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वो इस मामले में कोई आदेश पास न करें। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट लीक हो गई है। इस रिपोर्ट से कई बातें निकलकर सामने आई हैं। कोर्ट के द्वारा नियुक्त कमिश्नर विशाल सिंह ने गुरुवार को अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी। विशाल सिंह ने कहा कि उन्होंने इस रिपोर्ट को बिना किसी भेदभाव के तैयार किया है और सभी के दावों को इसमें जगह दी है। रिपोर्ट के लीक होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यह रिपोर्ट 19 पन्नों की बताई जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के अंदर तहखानों के खंभों पर पान और फूल की आकृति है। दीवार के पत्थरों पर त्रिशूल और कलश के निशान हैं। इसके अलावा स्टोर रूम के दीवारों पर त्रिशूल की आकृति के निशान होने की बात भी सर्वे की रिपोर्ट बताई जा रही है। रिपोर्ट कहती है कि तहखाने में एक स्तंभ भी प्राचीन हिंदी भाषा में कुछ लिखा हुआ मिला है। वहीं रिपोर्ट लीक होने पर सवाल उठ रहे हैं। एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट को जानबूझकर लीक किया गया है। ओवैसी ने फिर कहा कि मस्जिद में सर्वे का होना पूजा स्थल अधिनियम 1991 का पूरी तरह उल्लंघन है। एआईएमएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानव्यापी हो या मथुरा, संघ परिवार नफरत का माहौल पैदा करना चाहता है, मुसलमानों के लिए हमारे हिंदू भाइयों में संदेह पैदा करना चाहता है, संघ मुल्क को एक सियाह दौर में धकेलना चाहता है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो और उनकी सरकार आगे आकर कहें कि वो 1991 के एक्ट के साथ हैं। उनको कहना चाहिए कि वो ऐसे कारणों का समर्थन नहीं करते जिससे देश में बंटवारे की स्थिति पैदा हो। ओवैसी ने कहा, ये हाई टाइम है और पीएम को इन सब पर विराम लगाना चाहिए। ओवैसी ने इसके साथ ही मथुरा को लेकर कहा कि जब दोनों पक्ष ने एग्रीमेंट कर लिया तो क्या उस समय भी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें पता नहीं थी जो आज उठाई जा रही हैं। कोर्ट का जो अब आदेश आया है वो भी 1991 के एक्ट के खिलाफ है। ओवैसी ने ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट स्थानीय अदालत के आदेश पर रोक लगाएगा। कश्मीर फाइल्स को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बाद अब उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि इस फिल्म ने नफरत फैलाने का काम किया। अब्दुल्ला ने अपने पिता फारूक अब्दुल्ला के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ कश्मीरी पंडितों ने उन्हें बताया है कि फिल्म ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी को और मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे कश्मीरी समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने सभी बातें सही कही हैं। आज लोग सच बोलने से डरते हैं। बता दें, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि इस बेहद और बेहुदा निराधार फिल्म ने देश और कश्मीर में नफरत फैलाने का काम किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ने वाले हार्दिक पटेल ने गुरुवार को कांग्रेस की इसके लिए आलोचना की कि वो उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी पर लगातार हमले करती रही है। उन्होंने उद्योगपतियों की तारीफ में कहा कि ये उद्योगपति कड़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं और उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात से हैं।
हार्दिक पटेल ने एक दिन पहले ही यानी बुधवार को ही कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा की घोषणा की है और तब से कयास लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक ऐसी घोषणा नहीं की है। भारत की नेहा ज़रीन ने महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में गुरुवार को गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो स्वर्ण पदक जीतने वाली पांचवीं भारतीय महिला बॉक्सर बन गई। ज़रीन ने तुर्की के इस्तांबुल में फ्लाईवेट में फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुतामास के खिलाफ महिला विश्व चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार ज़रीन मैरीकॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेक केसी के बाद विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पांचवीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गईं। 25 साल के ज़रीन पूर्व जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। विश्व चैंपियनशिप में निकल ज़रीन के स्वर्ण जीतने के बाद उनके पिता मोहम्मद जमील ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतना एक ऐसी चीज़ है जो मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ देश की प्रत्येक लड़की को जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरणा देगा। उन्होंने भावुक होकर द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है और वो निकहत ने अपना रास्ता खुद बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जब निकहत ने उन्हें बॉक्सर बनने की अपनी इच्छा के बारे में बताया तो उनके मन में कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने बताया, लेकिन कभी कभी रिश्तेदार या दोस्त कहते थे कि एक लड़की को ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए जिसमें उसे शॉर्ट्स पहनने पड़े, लेकिन हम जानते थे कि निकहत जो चाहेगी हम उसके सपने का समर्थन करेंगे, निकहत के पिता ने कहा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।